वेलकम बैक, नमस्कार, आदाब, स्वागत है आप सभी का बिहार समाचार में। दोस्तों, आज हो गया 16 जनवरी दिन शनिवार, तो चलिए बिहार के तमाम बड़ी खबरों को इस वीडियो में जानते हैं, जिसमें सबसे पहले आपको बताएंगे कि बिहार में इंटर का एडमिट कार्ड कब से जारी होगा। इसके बाद आपको बड़ी खबर बताएंगे, अब नहीं कटाना होगा रजिस्ट्री ऑफिस का चक्कर, ऑनलाइन मिलेंगे जमीन के कागजात। फिर आपको बताएंगे आज से बिहार में लगेगा कोरोना का टीका। आपको बताएंगे कि पहला वैक्सीन किसको दिया जाएगा। नए साल में राजगीर को नई सौगात के बारे में आपको बताएंगे। साथ ही आपको पटना में उद्घाटन नई सड़क के बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। साथ ही आपको बताएंगे राज्य में ठंड को लेकर क्या अपडेट, बिहार में बर्ड फ्लू को लेकर क्या अपडेट है, इसकी रिपोर्ट आपको पूरी तरह से देंगे। राज्य में होने वाले सीटेट एग्जाम के बारे में आपको पूरी रिपोर्ट बताएंगे। बिहार में स्टाफ नर्स की बहाली को लेकर आपको अपडेट देंगे। इसके बाद आपको बड़ी खबर बताएंगे, बिहार में इस साल 9543 पदों को भरेगी बीपीएससी। राज्य में खेती में रोजगार बढ़ने के अवसर को लेकर बिहार सरकार ने क्या ऐलान किया। अल्पसंख्यक समुदाय के लड़कियों पर मोदी सरकार ने क्या ऐलान किया। इसके साथ ही आपको बताएंगे राजधानी पटना से 38 जिलों में आना जाना होगा आसान। तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार पर क्या तंज कसा है, इसको भी आपको हम पूरी तरह से बताएंगे। और अंत की बड़ी खबर आपको बताएंगे, नीतीश सरकार ने डीजीपी का नंबर मीडिया के लिए अलग से जारी किया। तो हमेशा की तरह फटाफट से आप इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए, और आपके मन में अगर कोई भी सवाल हो तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछे, और साथ ही हमें ये जरूर बताएं कि आप बिहार के किस जिले में रहते हैं। आज की सबसे पहली खबर, इंटर का एडमिट कार्ड आज होगा जारी। आइए जानते हैं कहां से कर सकते हैं डाउनलोड। जी हां, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने मैट्रिक के बाद अब इंटरमीडिएट का एडमिट कार्ड जारी करने का ऐलान कर दिया है। आज से छात्र एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बारे में बीएसईबी के अध्यक्ष आनंद किशोर ने कहा कि एडमिट कार्ड समिति की वेबसाइट यानी कि seniorsecondary.biharboardonline.com पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। छात्र यहां से 16 जनवरी से लेकर 31 जनवरी 2021 तक वेबसाइट से आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि इंटर का परीक्षा 1 फरवरी से दिनांक 13 फरवरी 2021 तक होगा। दूसरी बड़ी खबर, अब नहीं काटना होगा रजिस्ट्री ऑफिस का चक्कर, ऑनलाइन मिलेंगे जमीन के कागजात। जी हां, बिहार में निबंधन विभाग ने अब जमीन की खरीद बिक्री करने वालों का काम आसान कर दिया है। अब जमीन के रजिस्ट्री के 2 से 3 दिन बाद ही कागजात ऑनलाइन हासिल कर सकते हैं। यानी कि अब लोगों को हर दिन रजिस्ट्री ऑफिस का चक्कर काटने से निजात मिलेगी। बता दें कि निबंधन विभाग ने अब रजिस्ट्री के बाद कागजातों को ऑनलाइन उपलब्ध कराना शुरू कर दिया है। लोग जमीन खरीदने या बेचने के बाद अब इसे ऑनलाइन देख सकते हैं। इसके लिए रजिस्ट्री के बाद 2 या 3 दिनों का इंतजार करना होगा। यहां से अपने कागजातों को डाउनलोड कर आप अपने पास भी रख सकते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस सुविधा का लाभ लेने के लिए लोगों को निबंधन विभाग के ई सेवा पोर्टल पर जाना होगा। विभाग ने रजिस्ट्री के कागजात देखने के लिए वेबसाइट पर लिंक दिया है, वहां से आप अपना कागजात देख सकते हैं। अगली बड़ी खबर, आज से बिहार में लगेगा कोरोना का टीका, पहला वैक्सीन IGIMS के सफाई कर्मी को लगेगा। जी हां, बिहार में आज से कोरोना वैक्सीन का टीका लगना शुरू हो जाएगा। बिहार में सबसे पहला टीका IGIMS के सफाई कर्मी राम बाबू और दूसरा टीका एम्बुलेंस ड्राइवर अमित कुमार को लगेगा। आपको बता दें कि सीएम नीतीश कुमार आज 10:45 में IGIMS जाएंगे, जिसके बाद टीकाकरण की शुरुआत करेंगे। टीकाकरण के पहले चरण में पंजीकृत 4,62,275 स्वास्थ्य कर्मियों का टीकाकरण किया जाएगा। नए साल में राजगीर को नई सौगात, सीएम ने वेनुवन और घोड़ा कटोरा पार्क का किया लोकार्पण। खरमास समाप्ति के बाद कल अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल राजगीर में निर्माणाधीन वेनुवन बिहार पार्क का उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा किया गया। इस पार्क का करीब 27 करोड़ की लागत से 21 एकड़ भूमि पर निर्माण कराया जा रहा है, जो बिहार का पहला सबसे बेहतरीन पार्क साबित होगा। इसके साथ ही घोड़ा कटोरा में भी 4 करोड़ की लागत से 4 एकड़ जमीन में पार्क का निर्माण कराया जा रहा है, जिसका भी उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा किया गया।
बड़ी खबर, अटल पथ जनता को समर्पित, जंक्शन से 10 मिनट में दीघा पहुंचिए, जानिए खासियत। जी हां, कल पटना वासियों को एक और नई सड़क की सौगात देते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आर ब्लॉक दीघा 6 लेन का उद्घाटन किया। 7.6 किलोमीटर लंबी इस सड़क से दीघा की ओर का सफर अब काफी आसान हो जाएगा, जिसके बाद अब पटना जंक्शन से दीघा पहुँचने में मात्र 10 मिनट का समय लगेगा। इस सड़क का नाम अटल पथ रखा गया है। इस मौके पर दोनों उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी के साथ ही साथ मंत्री मंगल पांडे, नितिन नवीन और डॉक्टर संजीव चौरसिया मौजूद रहे। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 389 करोड़ की लागत से तैयार की गई यह सड़क 21 महीनों में बनकर तैयार हुई है। इस सड़क को बनाने में नए नए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। नहीं मिलेगी अभी ठंड से निजात और गिरेगा पारा। जी हां, सुबह में ठंड बढ़ने लगी है। कोहर के साथ ही तापमान गिरने के कारण लोगों को भीषण ठंड का सामना करना पड़ रहा है। पिछले 24 घंटे में कोहरे की सघनता से कनकनी काफी बढ़ी हुई है। इन सब के साथ अगले दो दिनों तक सुबह में ठंड से निजात के आसार नहीं है। दिन में धूप नहीं निकलने से कनकनी बढ़ी है और तापमान 2 डिग्री तक नीचे आ गया है। मौसम वैज्ञानिक के अनुसार अगले 2 दिन तापमान में गिरावट देखने को मिलेगी। वहीं मौसम विभाग ने राज्य में अभी शीतलहर की स्थिति से इनकार किया है, लेकिन पटना समेत पूरे बिहार में दोतरफा हवाएं चल रही है। दक्षिणी बिहार में जहां उत्तर पश्चिमी दिशा से बर्फीली हवाएं कनकनी लेकर आ रही है, तो वहीं दक्षिणी भाग में पूर्वा हवा नमी लेकर आ रही है। बड़ी खबर, बिहार में इस साल 9543 पदों को भरेगी बीपीएससी। जी हां, बिहार लोक सेवा आयोग इस साल 2021 में कुल 9543 पदों पर नियुक्ति करेगा, जिसकी तैयारी शुरू कर दी गई है। इसमें बीपीएससी के द्वारा आयोजित की जा चुकी परीक्षाएं भी शामिल है। सिविल सेवा के अलावा इंजीनियर और असिस्टेंट प्रोफेसर के पद भी बहाली की जाएगी। आपको बता दें कि प्रदेश के सरकारी इंजीनियरिंग व पॉलिटेक्निक कॉलेज में भी सहायक प्रधान अध्यापकों के पदों पर इस साल नियुक्ति की जानी है, जिसकी प्रक्रिया अभी जारी है। लगभग 3500 के करीब पदों पर इसमें अभ्यर्थी नियुक्त किए जाएंगे। बिहार स्वास्थ्य विभाग में स्टाफ नर्स के लिए हो रही है बंपर नियुक्ति, ऐसे करे आवेदन। जी हां, स्टेट हेल्थ सोसाइटी बिहार ने हाल में 31 दिसंबर 2020 को स्टाफ नर्स के पद के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं। राज्य हेल्थ सोसाइटी बिहार ने 4102 रिक्त संविदा आधार स्टाफ नर्स को भरने के लिए आवेदन आमंत्रित किया गया है। आपको बता दें कि आवेदन की तिथि 31 दिसंबर से 20 जनवरी 2021 तक रखी गई है। इसके साथ ही पद के लिए आवेदन करने के लिए उम्मीदवार के पास शैक्षणिक योग्यता में से कोई एक होना चाहिए। बेसिक बीएससी भारतीय नर्सिंग परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी नर्सिंग स्कूल संस्थान से नर्सिंग और उम्मीदवार को नर्सिंग काउंसलिंग के साथ पंजीकृत होना चाहिए। बिहार से 3,36,000 अभ्यर्थी होंगे सीटीईटी में शामिल, 20,000 ने बदला अपना केंद्र। जी हां, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा ली जाने वाली राष्ट्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा में 3,36,300 परीक्षार्थी शामिल होंगे। सीटीईटी दिसंबर 2019 से 50,000 अधिक अभ्यर्थी शामिल होंगे। कोरोना संक्रमण को देखते हुए प्रदेश भर में कई शहरों में केंद्र बनाए गए। इस बार बेगूसराय, गोपालगंज, पूर्णिया, रोहतास, सहरसा, सारण शहरों में भी सीटीईटी के लिए केंद्र बनाए गए। इससे पहले पटना, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, गया में ही परीक्षा केंद्र रहता था। इन सभी जिलों में कुल 345 परीक्षा केंद्र बनाए जाएंगे। आपको बता दें कि कोरोना के कारण प्रदेश के 20,000 छात्रों ने परीक्षा केंद्र अपने गृह जिला में लिया है। सीबीएसई द्वारा सभी अभ्यर्थियों को इसका मौका दिया गया था। बड़ी खबर, बिहार में बर्ड फ्लू का कोई मामला नहीं आया, 600 नमूने की हुई जांच, सभी नेगेटिव मिले। जी हां, बिहार में बर्ड फ्लू का अब तक कोई मामला सामने नहीं आया है। पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग ने जनवरी में अब तक 600 नमूने की जांच की है, जिनमें सभी की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। इसमें संजय गांधी जैविक उद्यान पटना के नमूने भी शामिल है। विभाग ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर यह जानकारी दी है। विभाग के सहायक निदेशक डॉक्टर दिवाकर प्रसाद ने कहा कि बिहार में किसी भी जिले में मुर्गियों में अस्वाभाविक मृत्यु की सूचना नहीं है। आपको बता दें कि विभाग ने मुर्गी पालकों को परामर्श दिया है कि फॉर्म में उचित प्रबंधन, समय पर टीकाकरण, स्वच्छता एवं पूर्ण कीटाणुनाशक की प्रक्रिया अपनाएं।
खेती में बढ़ेंगे रोजगार के अवसर। बिहार सरकार देगी मखाना और चाय उत्पादन के लिए 25% तक की सब्सिडी। जी हां, राज्य के युवाओं एवं किसानों को मखाना, फल, सब्जियां, मधु, औषधियां एवं सुगंधित पौधे, मक्का बीज एवं चाय उत्पादन के लिए सरकार सहायता उपलब्ध कराएगी। पात्रता रखने वाले व्यक्तिगत निवेशकों के लिए परियोजना का लागत 15% एवं किसान उत्पादक कंपनियों के लिए 25% क्रेडिट लिंक पूंजीगत अनुदान का प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही राज्य में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अति पिछड़ा वर्ग के निवेशकों के लिए उक्त श्रेणियों में 5% अतिरिक्त अनुदान का प्रावधान है और महिला उद्यमी, दिव्यांग, युद्ध विधवा, एसिड अटैक पीड़ित एवं थर्ड जेंडर के उद्यमी के लिए 2% अतिरिक्त अनुदान का प्रावधान है। अल्पसंख्यक समुदाय की लड़कियों पर मोदी सरकार मेहरबान, शादी सगुन स्कीम के तहत देगी 51,000। जी हां, केंद्र सरकार ने अल्पसंख्यक समुदाय की लड़कियों के लिए पीएम शादी सगुन योजना की शुरुआत की है। इस योजना को अल्पसंख्यक समुदाय की लड़कियों में उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शुरू किया गया है। इस योजना के तहत शादी से पहले स्नातक की पढ़ाई पूरी करने वाले अल्पसंख्यक समुदाय की लड़कियों को केंद्र सरकार 51,000 रुपये देती है। अल्पसंख्यक समुदाय में, विशेष तौर पर मुस्लिम समुदाय में, लड़कियों में उच्च शिक्षा की स्थिति काफी खराब है। उनके आर्थिक सहयोग और समाज में बराबरी का हक दिलाने का पीएम शादी अनुदान का एक प्रयास है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि शादी अनुदान योजना में वे लोग हिस्सा ले सकते हैं जो गरीबी रेखा से नीचे आते हैं, यानी जिनकी वार्षिक आमदनी लगभग 57,000 हो। अन्य पिछड़ी जाति के लोगों को आवेदन करने के लिए ऑनलाइन जाति प्रमाण पत्र के क्रमांक को शादी अनुदान योजना के आवेदन फॉर्म में उल्लेख करना अनिवार्य है। विभाग के लिए किए गए आवेदन में बेटी की उम्र शादी तक 18 साल और होने वाले वर की उम्र 21 साल अनिवार्य है। बड़ी खबर, सीएम नीतीश के फटकार के बाद डीजीपी की टूटी नींद, मीडिया के लिए अलग से नंबर किया जारी। जी हां, बड़ी खबर पटना से सामने आ रही है। सीएम नीतीश कुमार के फटकार के बाद आखिर बिहार के डीजीपी एसके सिंगल की नींद टूटी है, मीडिया के लिए अलग से नंबर जारी कर दिया गया है। बहस के दौरान पत्रकारों ने सीएम से शिकायत की थी कि डीजीपी कॉल नहीं उठाते हैं। सीएम के फटकार के बाद अब डीजीपी ने एक नंबर जारी किया है, यह नंबर मीडिया के लिए जारी किया गया है। आदेश जारी करते हुए बताया गया कि इस नंबर पर बिहार डीजीपी से पत्रकार किसी भी जानकारी के लिए संपर्क कर सकते हैं। आपको बता दें कि जो नंबर जारी किया गया उनमें 94 31 60 23 02, उसके बाद 0612 22 94 301 और 22 94 302 नंबर जारी किया गया है। तो वहीं सीएम के गुस्से पर विपक्ष ने ली चुटकी, तेजस्वी बोले मुख्यमंत्री ने हाथ उठाकर अपराधियों के सामने किया सरेंडर। जी हां, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से जब मीडिया ने कानून व्यवस्था पर सवाल किया तो वे भड़क उठे। नसीहत दी कि पुलिस को हतोत्साहित मत कीजिए, पुलिस अपना काम कर रही है। मुख्यमंत्री के इस गुस्से पर विपक्ष ने चुटकी ली है, साथ ही राज्य में बिगड़ती कानून व्यवस्था पर भी निशाना साधा है। पूर्व डिप्टी सीएम और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया पर कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हाथ उठाकर अपराधियों के सामने सरेंडर कर दिया है। तेजस्वी ने मुख्यमंत्री के आर ब्लॉक पर दिए गए उस वक्त को भी सामने रखा जिन्होंने कहा कि कोई नहीं रोक सकता है अपराध। तेजस्वी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए कहा कि उल्टा पत्रकारों से पूछ रहे हैं कि क्या आपको पता है कौन है अपराधी और वो क्यों करते हैं अपराध। इसके साथ ही युवा राजद नेता ने चुटकी लेते हुए कहा कि तुम इतना जो झल्ला रहे हो, क्या है जिसको छुपा रहे हो। अंत की बड़ी खबर, पटना में टैक्सी और कैब की तरह अब स्टेशन पर प्रीपेड ई रिक्शा की सुविधा, काउंटर से होगी बुकिंग। जी हां, पटना में अब जंक्शन से काउंटर से ही ई रिक्शा की बुकिंग भी करवा सकते हैं। टैक्सी और कैब की तरह ही आप ई रिक्शा से शहर के किसी भी कोने में पहुंच सकते हैं। पटना जंक्शन से शुक्रवार को प्रीपेड ई रिक्शा सेवा ई मंजिल की शुरुआत की गई। इस सेवा से यात्रियों को कम भाड़े में स्टेशन से आने जाने में सुविधा होगी। इस तरह की सेवा की शुरुआत करने वाला पटना जंक्शन बिहार का पहला स्टेशन है। यहां इलेक्ट्रॉनिक वाहन चार्जिंग की सुविधा भी मुहैया कराई जा रही है। पटना जंक्शन के अलावा यह सेवा करबगिया और पाटलिपुत्र जंक्शन में भी शुरू हो गई है। तो आज के लिए आपका सवाल बताएं कि भारत में सबसे बड़ा बांध का क्या नाम है, इसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।